21 जून को विश्व योग दिवस पर जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में मंच पर दलित महिला राज्यसभा सांसद को स्थान न मिलने पर दलित सांसद ने जिला प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है। विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित प्रदेश और केंद्र के तमाम मंत्री शामिल हुए थे। वहीं दलित राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने जिला प्रशासन पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि विश्व योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री शामिल थे। मंच पर जब मैं गई तो वहां पर मेरी कुर्सी पीछे लगाई गई थी, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब देखा कि मैं पीछे बैठी हूँ तो उन्होंने मुझे आगे आने के लिए कहा। सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि उपराष्ट्रपति के साथ मैं बेड़ाघाट और ग्वारीघाट में थी। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर योग दिवस पर दलित महिला होने की वजह से मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि अगर जब भी कोई वीआईपी आता है, सभी के हाथों में जिला प्रशासन गुलदस्ते देता है, लेकिन दलित महिला सांसद होने के नाते मुझे गुलदस्ता नहीं दिया जाता। सुमित्रा वाल्मीकि की ये नाराजगी ऐसे समय पर सामने आई है जब कुछ माह के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी से भाजपा को दलित समुदाय के वोटों पर नुकसान भी हो सकता है। दीदी, योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर आप मंत्री जी से चर्चा की है, क्या बात थी, क्या वजह थी? योग दिवस का जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और दो दिन पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि मैं जबलपुर में हूँ। छिंदवाड़ा में थी तब मुझे प्रशासनिक कॉल आया कि मैं जबलपुर में हूँ, तो उस हिसाब से इनको प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था। एक राज्यसभा मेंबर है और उनके हिसाब से जो पत्रक छपा था उस पत्रक पर मेरे पास में बहुत से लोगों का फ़ोन आया कि नाम नहीं है, तो मैंने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। मैं संगठन को मैंने बता दिया और पत्रक की कॉपी भेज दी। उसके बाद में जब मैं दूसरे दिन 21 तारीख को वहाँ गई, तो 21 तारीख को मैंने देखा कि मुझे जैसे ही मंच पर पहुंची तो मुझे कोई कुर्सी नहीं थी, मैं सीधे जाके पीछे बैठ गई मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने पलट के मुझे देखा, फिर स्टाफ को उन्होंने डांटा और बोले आगे कुर्सी लगाओ। ये चूक क्यों हो रही है ये बताइए ना। प्रशासनिक कितना लापरवाह हो सकता है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ अपनी लाइफ की राजनीति में। दूसरी बात है कि माने महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हम लोग के साथ में भेड़ाघाट गए, प्रशासनिक चूक कैसे हुई कि जो सर्किट हाउस उनको बुक किया गया था वो छोड़ के दूसरे सर्किट हाउस में वो पहुंच गए, ये कैसे चूक हुई? ये प्रशासनिक लापरवाही है ना, कि आप किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ना तो आप पद का सम्मान रख रहे हैं ना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। तो इस तरह की जो है सभी प्रतिनिधियों ने कंप्लेन की है, मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, और भी प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के प्रति असंतोष व्यक्त किया। मतलब जी क्या लगता है कि ये जो प्रशासन है जानबूझकर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? प्रशासनिक लापरवाही जानबूझकर ही मानी जा सकती है, एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, हर बार आप करोगे तो मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इनके दो मानसिकता है। क्या मांग की आपने मुख्यमंत्री जी से? हाँ, मुख्यमंत्री जी आपको जवाब मिल जाएगा तो 4-10 दिन के बाद।